दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह, रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, रिंकू सिंह ने अपनी खतरनाक पारी से अंतिम ओवर में धोनी की तरह 5 छक्के जड़कर सबको हिला के रख दिया। आखिरकार कैसे रिंकू सिंह ने जाते जाते अंतिम ओवर में अपनी वो तूफानी बल्लेबाजी करके दिखा दी जिसके लिए उनकी असली पहचान है। दोस्तों, रोहित के शतक के बाद रिंकू का तूफान कैसे अंतिम ओवर में आया और सबके दिलों पर छाया, रिंकू की इस ताबड़तोड़ छक्के वाली पारी और उनके रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में सीरीज के तीसरे T20 मैच में आज भारत की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा कर रख दी। वैसे तो इस सीरीज को हम सीरीज के दूसरे मैच में ही जीत गए थे, लेकिन तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को कुछ ऐसे हरा रहे हैं ना कि इस हार को भी और इस जीत को भी, दोनों को इतिहास में लिखा जाएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम जिसके 22 पर 4 विकेट हो चुके थे, वहां से उठकर रोहित और रिंकू ने अपनी ताबड़तोड़ पारियों से सबको हिला के रख दिया। दोस्तों, आगे चलकर रिंकू और रोहित ने ना सिर्फ भारत के लिए रन्स बनाए बल्कि तूफानी पारियां भी खेली, जिसमें रोहित शर्मा का तो क्या ही कहना, उनके अर्धशतक के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि मात्र 69 गेंदों के अंदर 11 चौके 8 छक्के जड़कर इस खिलाड़ी ने पूरे 121 रन बना डाले। तो रिंकू सिंह ने तो ऐसी बल्लेबाजी करी 69 रन की कि देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया गई थी। और दोस्तों, अंतिम ओवर में जाते जाते रिंकू सिंह ने सारा मजा चौगुना कर दिया अपने शानदार छक्कों के साथ। दोस्तों, भारत ने 212 रन बनाए, लेकिन अंतिम ओवर का हाल तो सुन लीजिए, क्योंकि अंतिम ओवर में मानना पड़ेगा कि रिंकू सिंह ने वाकई में धोनी की तरह फिनिश किया है। वो क्यों, चलिए आपको बताते हैं। 220वें ओवर से पहले भारत का स्कोर 176 था और अंतिम ओवर को फेस करने के लिए रोहित शर्मा पहली गेंद खेलने के लिए तैयार थे। उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाया, अगली गेंद जो कि एक नो बॉल थी उस पर छक्का जड़ा, और फिर जो गेंद नो बॉल बनकर फ्री हिट हुई थी उस पर भी एक छक्का लगा दिया। अब 200 स्ट्राइक रिंकू सिंह के हाथ में आई और रिंकू सिंह ने तो कमाल ही कर डाला। 200 रिंकू सिंह ने इस ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा और वहां से 4 गेंदों में ना हमारे 22 रन बन चुके थे अब, क्योंकि ये छक्का था। और दोस्तों, 200 रन भी भारत के पूरे हुए थे। 5वीं गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ से रिंकू सिंह फिर से छक्का लगाते हैं और अंतिम गेंद पर 200 रिंकू सिंह एक और छक्का जड़कर भारत के पूरे 212 रन करवा देते हैं, यानी कि इस एक ओवर से भारत को मिलते हैं 36 रन। दोस्तों, मैक्सिमम एक ओवर से जायज तरीके से तो इतने ही रन बन सकते हैं और इतने ही रन रिंकू व रोहित के बल्ले से निकले। दोस्तों, मानना पड़ेगा रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ पारी को, लेकिन रिंकू के जो अंतिम 3 गेंदों पर 3 खतरनाक छक्के थे ना, वो दिल जीत ले गए। और दोस्तों, एक रिकॉर्ड भी बन गया है इस मैदान पर, आज तक कभी अंतिम ओवर के अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन बने ही नहीं है। रिंकू सिंह ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं और अंतिम ओवर में 36 रन भी नहीं बने, तो ये पार्टनरशिप भी एक रिकॉर्ड दर्ज कर गई है। खैर दोस्तों, अंतिम ओवर में बने इस रिकॉर्ड को और रिंकू की पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।